अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाह ज़ैब एंड यू आर वॉचिंग ज़ैबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे टेक्नो की तरफ से न्यू स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि टेक्नो पोवा सीरीज़ की, यानी कि टेक्नो पोवा 4 सीरीज़ है। अब ये जो सीरीज़ है फिलहाल बांग्लादेश के अंदर लॉन्च की गई है और बहुत ही जल्द बाकी सारी मार्केट के अंदर भी हमें लॉन्च करती हुई देखने को मिल जाएगी, और इसी तरह ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप टेक्नो पोवा 3 का वेट कर रहे हैं तो टेक्नो पोवा 3 लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि डॉलर का रेट भी ऊपर जा रहा था और ओवरऑल यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो भी बैन हुई हुई थी। तो इस वजह से हमें जो टेक्नो पोवा 4 है वो देखने को मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं और टेक्नो का स्मार्टफोन हो, ओवरऑल एक गेमिंग स्मार्टफोन हो, तो टेक्नो पोवा 4 आपके लिए हो सकता है। तो मेक श्योर आप वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, आपको इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो पता चल जाएंगी, डिज़ाइन कैसा है, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो एक नॉर्मल डिस्प्ले ही देखने को मिल जाता है, लेकिन बड़ा डिस्प्ले है। इसके अंदर हमें 6.82 इंच का एक 720p पैनल देखने को मिल जाएगा IPS LCD के साथ। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, जैसे मैंने पहले बताया, HD+ यानी कि 720x1600 पिक्सल्स की देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गेमर्स को टारगेट किया गया है, तो बड़ा डिस्प्ले है लेकिन IPS LCD है, तो यहाँ पे आपको इतना कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, आप गेमिंग इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि MediaTek का हीलियो G99 है। अब ये जो प्रोसेसर है 6 NM की टेक्नोलॉजी बेसिक कोक्टा कोर प्रोसेसर है, और यहाँ पे जो GPU है माली G52 MC2 का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। पबजी के अंदर भी आपको काइंड ऑफ 60 FPS देखने को मिल जाएंगे, और जो हैवी ऐप्स हैं, मल्टीटास्किंग है, ये सब आप इसके अंदर इजीली कर सकेंगे। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको टेक्नो पोवा 4 के अंदर कोई भी इश्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर लिया है, तो यहाँ पे जो इसका वेरिएंट है वो 8 GB रैम और 128 GB के साथ देखने को मिल जाएगा। तो स्टोरेज भी ठीक है और यहाँ पे रैम भी आपको काफ़ी हद तक सही देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ इसके अंदर नहीं देखने को मिलता। बाकी यहाँ पे बात कर लिया इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो iOS एंड कस्टम UI टेक्नो का वो मिलता है। तो लेटेस्ट फीचर्स वगैरह सभी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लिया है इसकी बैटरी की। तो इसके अंदर हमें काफ़ी मैसिव बैटरी, जैसा कि पोवा सीरीज का एक मेन स्पेक होता है बैटरी, वो इसके अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जिसके साथ हमें जो टाइप सी है वो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, सिंपल 18W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बैटरी चार्ज करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इजीली लग जाएंगे, लेकिन आपका जो बैटरी बैकअप है वो आराम से 1.5 से 2 दिन निकाल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, और गेमिंग के साथ आपका 1 दिन इजीली निकल जाएगा। तो बैटरी वाले साइड से हमें बस ठीक देखने को मिल जाता है, बैटरी कैपेसिटी अच्छी है लेकिन फास्ट चार्जिंग इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बात कर लीजिए अब इसके डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, एक गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है, ये हमें एक बॉक्सी लुक के साथ देखने को मिल जाता है, जैसा कि आजकल सभी स्मार्टफोन आ रहे हैं, और ओवरऑल एक गेमिंग फील, मेटालिक फील प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। ओवरऑल इसका जो बैक का डिज़ाइन है काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, ऊपर हमें 2 वर्टिकल 2 कैमराज देखने को मिल जाएंगे, साथ LED फ्लैश लाइट मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बेटर मिल रहा है, यहाँ पे गेमिंग के साथ साथ डिज़ाइन भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात कर लिया है, तो कैमरा जैसे यहाँ पे जो है एवरेज देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में जो डुअल कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें मेन सेंसर 50 MP का देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ ही हमें जो एक डेप्थ सेंसर वो देखने को मिल जाता है। बाकी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे यहाँ पे 8 MP का जो सेल्फी शूटर है वो मिलेगा, तो आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ही जो नॉर्मल तस्वीरें हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लिया है, तो हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो स्पीड वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक तेज़ हमें मिल जाती है। और ओवरऑल यहाँ पे फ़ोन की बात कर लिया है, तो जैसे मैंने पहले बता दिए सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह, कोई भी चीज़ मिसिंग है आप नीचे कमेंट जरूर पूछिएगा। बात कर लीजिए यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो उसका जो लॉन्च है वो हमें इस महीने तो मुश्किल देखने को मिले, लेकिन हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। बाकी यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर लिया है, तो इसकी जो प्राइस एक्सपेक्टेड वो 40,000 के राउंड अबाउट कहीं पे देखने को मिलेगी, क्योंकि MediaTek का हीलियो G99 है और G96 जो पहले प्रीवियस वर्जन था वो 40,000 की रेंज में ही देखने को मिल रहा था, तो ये भी हमें उसी रेंज में देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस है, इसकी जो राइट प्राइस टैग है वो क्या होनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आप सबकी नए वीडियो में, अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।